माशाल्लाह से हमारे हिरन अब बाहर आना शुरू हो गए हैं। छुप छुप के यहाँ से देख रहे थे, अभी फिर मुझे लगता है अंदर जाने वाले हैं। ये रही फीमेल और ये इस साइड पे मेल घूम रहा है। अभी जो ही मैं इस साइड से जाऊँगा ना, दरवाजे के पास आके हमें देखते हैं छुप छुप के। ये देखें सामने माशाल्लाह फीमेल सामने खड़ी है। अब इन्हें एक से दो दिन और लगेंगे, फिर हम ये कपड़ा हटा देंगे, फिर इन्हें बाहर आने की आदत हो जाएगी। मेल किधर चला गया? मेल वो सामने रहा। दोनों इधर आते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं और घूम फिर भी रहे हैं। एकदम से बाहर बादल आ चुके हैं, ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है, इसीलिए मैंने पंखे को बंद कर दिया। हाँ जी राजू, आप खुश हो? ठंडी हवा आना शुरू हो गई है, पहले तो तुम्हारा मुंह खुला हुआ था क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें भी ठंड लग रही है? नहीं, गर्मी लग रही है ना, इसे भी गर्मी लग रही है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है क्योंकि ऊपर पंखा लगा रहा है, गर्मी है तो यहाँ पर। लेकिन शुक्र है यार कि अभी एकदम से देखें पौधे कैसे हिल रहे हैं, ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है, बादल आ चुके हैं और अब मेरे ख्याल में जैसा बताया गया है कि बारिशें शुरू हो जाएंगी, मुझे लग रहा है कि अब बारिशें स्टार्ट होने वाली हैं। आजकल मैंने एक चीज़ नोट की है, कुकटेल, फिंचेस, लव बर्ड ये सारा दिन नीचे बैठे रहते हैं। देखिए सारे कुकटेल नीचे बैठे हुए हैं, लव बर्ड भी बैठे होते हैं, मुझे देखकर ऊपर चले गए। एक तो मैंने डिस्टर्ब कर देता हूँ, पर मेरे बजीज क्या कर रहे हैं ये सारे? तो माशाल्लाह से एक तो पानी के ऊपर इकट्ठे हुए रहते हैं और दूसरा सामने वाला जो दरवाजा है ना उसके पास, क्योंकि कूलर की ठंडी हवा वहीं पर आती है सबसे पहले, तो वो ठंडी हवा लेने के लिए ना वहाँ पर सारे बैठे रहते हैं। लोरी अपना पानी गिरा चुकी होगी रोज़ाना की तरह, ये भी वहीं पर थी, लेकिन अभी मेरी आवाज़ सुनी है ना तो ये दोनों आ चुके हैं यहाँ पर और इन्होंने मेरे साथ खेलना है। मुझे काटना नहीं है। इधर रुको, तुम्हारे लिए अंगूर खिलाते हैं इन्हें। माशाल्लाह हमारे कैक्टस के सारे पौधे इन गमलों के अंदर हमने लगा दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माली भाई को मैं रात के वक्त ले आऊंगा, वैसा ही हुआ। मैं रात को माली भाई को ले आया था, फिर रातों रात ही माली भाई ने ये सारे लगाए हैं क्योंकि मुझे डर था कि भाई ने इतने प्यार से इतने दूर से भेजे हैं डेरा गाजी खान से, तो कहीं ये पौधे ख़राब ना हो जाए। उन्होंने इतने प्यार से भेजे हैं तो मुझे भी उतने ही प्यार से उतनी ही एहतियात से इनकी रखवाली करनी है, इनकी केयर करनी है, तो फिर मैंने रातों रात ये सारे पौधे लगवा दिए थे। अब बस इनको हमने किसी जगह एडजस्ट करना है और इनके लिए मैंने जगह सोच ली है, नर्सरी से एक प्यारा सा स्टैंड लाना है और उस स्टैंड के ऊपर हमने ये सारे गमले रखने और उस स्टैंड को हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर रख देना है। तो खैर अंगूर ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि जो जो अंगूर पकता जा रहा है ना और ज़्यादा मीठा होता जा रहा है, तो अब तो हम उतार उतार के खाना शुरू हो गए हैं, तो इसलिए बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 4-5 दाने यहाँ से उतारने हैं और लोरी को खिला देने हैं। बुला लो दोनों आ जाओ, मुझे नहीं काटना, ठीक है ना? ये लो, एक तुम ले लो और एक तुम ले लो, दोनों एक से नहीं खाओ ना, अलग अलग अपना अपना ले लो। चलो ये तीसरा वाला भी हो गया, चौथा वाला हो गया, पाँचवा हो गया और ये छठा हो गया। 6 दाने बहुत हैं, अब ये इतने ज़्यादा मीठे हैं ना, अगर 6 दानों की जगह हम पूरा एक गुच्छा भी इन्हें डाल देते हैं ना तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि अंगूर अब बहुत ज़्यादा मीठा हो गया है, खट्टा नहीं है, अब ये खाने से बीमार बिल्कुल भी नहीं होंगे। इस कमरे को आज खाली किया जा रहा है। बेला, प्यारी बेला, तुम्हारी ये वाली जगह है, तुम इधर बैठती हो? अच्छा, ओए गिरना नहीं है। तुम्हारा ज़ख्म? यार इसका ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा, मुझे लगता है गर्मी की वजह से, तो शुक्र है। अब ये कमरा खाली हो जाएगा ना तो ये रोज़ाना दूसरे कमरे में पंखे के नीचे बैठा करेगी, हो सकता है तब इसका ज़ख्म ठीक हो जाए। इस पर हम दवाइयाँ लगा रहे हैं जो आपने बताई हैं ना, मैंने सर्च की है, उसमें जो अच्छी वाली थी ना मैं वही वाली लाया हूँ, इसको लगा रहे हैं लेकिन अभी ठीक नहीं हो रही। तो बेला अब तुम दूसरे कमरे में सोया करोगी, 2-3 दिन लगेंगे तुम्हें ठीक होने में, और अगर अब भी ठीक नहीं होगी ना तो फिर मैं इसे जानवरों वाले डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, हो सकता है वो इसे इंजेक्शन वगैरह लगाएं, क्योंकि जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है ना फिर इंजेक्शन ही लगाना पड़ता है। तो तैयार हो, 2-3 दिन तक ठीक नहीं हुई ना तो फिर तुम्हें इंजेक्शन तो ज़रूर लगेगा। हमारे इस वाले बैल को दो बंदे पकड़ कर ले जाते हैं, ये एक बंदे का काम नहीं है, ये मारता है, इसलिए 2 रस्सियाँ ऐसी डाली गई हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। अभी भी देखिएगा ये मस्ती करता है, अभी शाम वक्त है, इसने खाना खाना है। और कैसर भाई को देखें ऐसे डरे रहते हैं, कैसर भाई कुछ नहीं कहता यार आपको, ऐसे ही डरे रहते हो। थोड़ा सा और इसे चारे के करीब करें ना, ये तो माशाल्लाह इतना ज़्यादा शरीफ है, आज ना हमने इसे नहलाया भी नहीं है, आज गर्मी ज़्यादा हो गई थी, हम थोड़े से लेट हो गए हैं तो हमने सोचा ज़्यादा गर्मी में इसे नहलाएंगे, ये कहीं बीमार ना हो जाए, तो इसलिए आज तो नहीं हम इसे सुबह सुबह में नहलाएंगे। देखें कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। अब्बास भाई ने इन पौधों के इर्द गिर्द भी पत्थर लगाना शुरू कर दिए और जब ये सारे पत्थर लग जाएंगे ना तो फिर हम इन पत्थरों को वाइट कलर कर देंगे। मैंने एक भाई का कॉमेंट पढ़ा है, वो कह रहे थे इनको कलर कर दें, तो काफ़ी अच्छा आइडिया, जब इस तरह के आइडिया मुझे मेरे सब्सक्राइबर देते हैं ना तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फिर मैं उनकी मानता भी हूँ। अभी भी बस ये लग जाएंगे, फिर जब इन पत्थरों का कलर वाइट हो जाएगा ना तो ये बहुत ज़्यादा प्यारे भी लगेंगे। ये दोनों अब बाहर खुद ही भाग के आ जाते हैं, पता नहीं किस रास्ते से आते हैं, लेकिन सारा दिन यहीं पर, पहले फीमेल थी, पहले ये फीमेल थी बाहर,
और अब ये मेल आ गया है, या दोनों में से एक कोई पहले बाहर था। आ जाओ राजा, तुम भी बाहर आ जाओ अंदर। क्या इतनी छोटी सी जगह पर डांस कर रहे हो? अब तो शाम को रोजाना तुमने निकलना ही है। चलो आ जाओ। अभी ये मैंने दरवाज़ा खोल दिया है ना, तो ये मेल फीमेल भी दोनों बाहर आ जाएंगे। इससे भी बाहर आना है। आ जाओ, दरवाज़ा तो खुला हुआ था, खुद ही खोल के बाहर आ जाना था। बाहर क्यों नहीं आ रही थी? इधर आओ, इधर आओ, मुझे गले लगो। जब तक तुमने मेरे गले नहीं लगना ना, मुझे गले मिलना नहीं है, तब तक तुम बाहर नहीं जा सकती। इधर इधर, आज मेरे कपड़ों का कलर चेंज है ना, तो ये थोड़ा सा और डर दीजिए। इधर रुको पहले, चलो गले मिलो, गले 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 गले। चले, इतना सा भी ठीक है। निकलो निकलो, भागो यहाँ से। अब सुबह से हमारे हिरन यहाँ पर घूम रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हिरन जो है बिल्कुल ठीक ठाक हो चुके हैं, अच्छे से ये खाते हैं। पत्ते हम डालते हैं, चारा डालते हैं, पानी रखते हैं, सब कुछ अच्छे से खा पी रहे हैं। लेकिन बस इनका डर थोड़े से दिन तो रहेगा, इसीलिए यहाँ पर तो ये देखें, अभी भी भागने की कोशिश की जा रही है। इधर इसे पत्ता खिलाने की कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं, डरना नहीं है, कुछ भी नहीं कहता मैं। ये लो खाओ, खा लो। अभी भी थोड़ा थोड़ा डर रही है, कोई बात नहीं, दो चार दिन इन्हें और लगेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कितनी माशाल्लाह प्यारी और क्यूट है ये, देखें। आ जाओ बाहर, आ जाओ मेल, तुम भी जल्दी से आ जाओ। यार मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत से दोस्त ये कह रहे थे कि इनको उस बॉक्स में आपने लाया, बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। तो अगर ये बॉक्स में ना आते ना, तो दूसरा ऑप्शन होता है बोरी वाला। बोरी में तो ये बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, और मैंने तो इनके लिए दो की जगह ना तीन सीटों का रेंट पे किया है। ठीक है, मैंने ये सोचा था कि वो इनको एसी में लाएंगे, लेकिन बस वालों की कोई अपनी पॉलिसी होती है, और इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं था किसी तरीके से आ सकती। तो मैंने तो यही सोचा था कि एसी वाली बस होगी, वो इनको किसी सीट पे बिठा के ये बॉक्स सीट पे रखेंगे, एसी चल रहा होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ना बस के अंदर एक जगह बनी होती है, वहाँ पर बॉक्स रखा। काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी की वजह से भी इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम डर होता है दूसरी जगह जब ये शिफ्ट होते हैं, तो उस डर की वजह से ना ये दो दिन तक तो बैठे रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैंने दिखाया भी था कि अब ये यहाँ पर घूमते फिरते हैं। एक दो दिन तक जब ये कपड़ा हट जाएगा, ये हमें सुबह शाम देखेंगे तो इनको आदत हो जाएगी, और फिर उसके बाद ये रोज़ाना परिंदों की तरह ना फार्म हाउस में घूमा करेंगे। फिर इन्हें कोई टेंशन नहीं होगी, हम निकालेंगे घूम फिर के, ये अपने घर में वापस आ जाया करेंगे। बड़े हीरो बने हुए, ये मुझे दो, इधर आओ। रहने एक मिनट ना, एक मिनट ना, उठा लो यार, टक्कर मारनी थी, टक्कर एक टक्कर तो मारो ना, कुछ नहीं कहता। नहीं जी, मुझे पता है उस दिन भी मारने लगा था मुझे। नहीं कहता यार, जब कैसर पे अंदर से खोल गया था, मुझे मारने लगा था। अच्छा जी, ये इसने चांस मिस कर दिया, अगर एक टक्कर मार देता ना तो फिर इसको मैं शाबाशी देता। ये सारे परिंदों को भगा दिए यहाँ से यार, उधर जाके क्या आपने बनाया पूल, ये देखने के लिए तो बनाया, चलाया गया रोज परिंदे इस टाइम इधर जमा हो जाते हैं। नहीं तो अभी चलाएंगे ना, ये देखो ना, अभी तो तैयार नहीं हुआ ना, अभी ये पूरा तैयार होगा। वो देखो वो साइडों पे पड़ी है, वो मिस्त्री भाई ने इधर लगानी है, और यहाँ पर वो इनका लगेगा जाला। ठीक है, जाल लगने से पहले ही आप लगाएं, गर्मी तो ये थोड़ा थोड़ा पानी ये अभी पी रहे थे ना, ये मैंने लगाया ना, थोड़ा सा चला दे। देखो ना ये भी देखो ना, खराब हुआ पड़ा है, इसको एक काम करते हैं, आज चलाते हैं इसे। लेकिन कैसे चलाए, ये तो है ही नहीं, इधर से चला। जो अपने घर की वॉशरूम से इस तरह का उतार लो ना, वो शावर। नहीं रहने दे, फिर एक काम करते हैं, रुको, ये पाइप से चला। नहीं नहीं, इधर से नहीं, ये शावर लगेगा ना, यहाँ से पानी आएगा, ये नहाएंगे तो यस हो जाएगा काम। हाँ, इस जगह को भी साफ करने में वापस आता हूँ मैं ना, अपने घर की वॉशरूम से उतार के लाता हूँ, किसी को बताना नहीं है, ठीक है ना, घर फिर हम नया लाकर लगा देंगे। मैं जल्दी से जाता हूँ और घर की वॉशरूम वाला शावर उतार के लाता हूँ, वो इधर लगाते हैं। एक तो इस बंदे का कोई सीधा काम नहीं है, जहाँ पर पानी देखता है ना, छुप के वहाँ पर पहुँच जाता है। अभी इसे डांट पड़ेगी, इसने लगता है कपड़े सारे गीले कर दिए। क्या हो रहा है? नहीं हो रही है तो घर के अंदर करनी थी ना। निकलो बाहर साथ, मुझे भी डांट पड़ेगी। चलो बाहर आओ ना, कपड़े सारे गीले कर दिए यार, एक तो किसी की सुनता भी नहीं। एक काम करते हैं, इसके कपड़े, रुको रुको आओ बाहर निकलो, आप कपड़े चेंज करो जल्दी से। आज मेरा दिल है, हम पूल तो भर ही रहे हैं ना डक्स के साथ, इसे भी मैं छोड़ूंगा, इसे नहाने का इतना ज़्यादा शौक है ना, तो आज इसका ये शौक पूरा करते हैं। इतनी सी बाल्टी में क्या होता है, आ जाओ आ जाओ, पूल के अंदर जाते हैं, वहाँ पर ना नहीं करना, निकलो बाहर। चलो जाओ कपड़े चेंज करो और नहीं करते हैं, इसकी खुशियाँ चेक करें ज़रा, नहाना है ना अभी इसे, कैसे आगे आगे भाग के जा रहा है, और ये मैं उतार के ले आया हूँ, घर वालों को पता ही नहीं चला। अभी वहाँ पर ये लगाएंगे, डक्स को नहलाएंगे, बाकी सारे परिंदों को नहलाएंगे, और देखेंगे अगर गर्मी ज़्यादा हुई, गर्मी तो वैसे काफ़ी ज़्यादा, पसीना देखें इतना ज़्यादा आ रहा है, तो खुद भी नहा लेंगे। इधर आ जाओ, इधर इधर इधर, इसे पता ही नहीं है नहीं क्या करनी है। मिल गए बड़ा वाला,
इधर लगा देते हैं। नहा लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फ्रेश हो जाओगे, हर वक्त सोते रहते हैं। फ्री नहा लेना। हाँ, पूल में 200 देने पड़ते हैं, 300 देने पड़ते हैं। यहाँ पर फ्री, हाँ कितने, 400 ना। जो जो गर्मी ज्यादा होती जा रही है, रेट पूल वालों के बढ़ते जा रहे हैं। अब तो इधर ही नहाया करेंगे जी, अपना पूल बन गया। एक मिनट मैं जरा इसे लगा लूँ, ये इधर आ जाएगा, लगाते हैं जरा। हाँ फिट हो गया, फिट हो गया, ये सही है। अभी तो फिलहाल गुजारे के लिए हमने ये चीज़ लगाई है यार, इसे सही करना ज़रा, पक्का करके लगाओ। बाद में पता है मैंने क्या सोचा है, हम यहाँ से एक पाइप लेकर जाएंगे इस तरफ, और इस पाइप में ना तकरीबन इस तरह बड़े वाले जो होते हैं वो 2 से 3 होंगे, ऊपर से ऐसे पानी आया करेगा, फिर सारे परिंदे नहाया करेंगे। लेकिन फिलहाल यार ये गलत लगा दिया, मैं अभी लगाता हूँ, इसको सेट करता हूँ, फिर इस जगह को धोते हैं अच्छे से, और फिर उसके बाद पानी यहाँ पर छोड़ देंगे। पूल भरा जा रहा है, साथ में हमने शावर भी लगा दिया, शावर का पानी इतनी स्पीड से नीचे को जा रहा है। अभी सारे परिंदे यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, लेकिन हम इधर खड़े हैं ना सामने, तो हमारे डर की वजह से ना ये अंदर नहीं जा रहे। लैला मजनू भी आ चुके हैं, अब ये भागते हुए सीधा ना पानी के अंदर। ये तो बड़े अच्छे से नहाते हैं, डायनासोर भी अच्छे से नहाते हैं, और माशाल्लाह से डायनासोर की दोनों फीमेल जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी हैं। ये देखें मजनू गया पानी के अंदर जा रहा है, वो बाहर से उसने पानी पी लिया। इब्राहिम को ले आओ ले आओ। चलो जी, इब्राहिम के नहाने का वक्त हो गया है, शाबाश जाओ। अब लैला मजनू के साथ तुम भी नहाओगे, इसे पानी के अंदर छोड़ दो, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, हमने सारी जगह को साफ कर दिया, अब नहा सकते हो। मजनू के साथ नहाओ, कुछ नहीं कहता मजनू, कुछ नहीं कहता, नहा लो। ओ यार ये देखें, नहीं नहीं मैं पास हूँ, अच्छा ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। ये देखो ये मैं भी आ गया हूँ, ये पानी के अंदर मैं भी आ गया, ठीक है अभी चलो अब नहा लो। अभी ये फुल होगा ना तो फिर आप इसके अंदर बैठ भी सकते हो। डक्स के बेबी आ चुके हैं, इनको भी अभी हम छोड़ने लगे हैं। चलो ये बहुत मजे से नहाते हैं, ये देखें अब इनको कुछ नहीं होगा। ओए डायनासोर डायनासोर आ गया। ये देखें माशाल्लाह कितनी खुशी से खा रहे हैं। छोटे वाले बच्चों को ये बड़े कुछ भी नहीं कहते, सिर्फ डायनासोर डराते हैं, लेकिन छोटू गैंग बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता। इधर खा लो, इतने शौक से वो भी रोटी खाते हैं। वो देखो सारे उधर भाग गए। इब्राहिम नहीं करो, पानी छोड़ दो ना यार, आप नहा लो, आपने नहाना है तो सारा मुझे भी साथ में गीला कर दिया। ये देखें पानी के अंदर इतनी शौक से रोटी ढूंढ के खाते हैं ना। इधर इधर साफ सुथरी हो गई है। ये वही वाली थी जो 2 दिन पहले तक उठ भी नहीं पा रही थी, अब इतने मजे से ये खुद खाती पीती है चलती है। चलो जी, आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ, सारे आ जाओ सारे आ जाओ। वो छोटे वाले बच्चे किधर चले गए हैं? ये क्या बंद कर दिया? इधर वाला भी खोल दो ना। हाँ अब ठीक है, वो साइड वाला भी खोल दे इधर। अभी तो ये फुल हुआ ही नहीं है ना, वहाँ तक ये फुल होगा। इधर आओ, इधर आओ, बड़ा नहाने का शौक है तुम्हें, इधर नहा लो नहा लो, इधर नहाओ। क्या बात, अभी बैठ जाओ इधर, इस जगह पे बैठ जाओ। ये रोजाना ऐसे ही करते हैं, पहले नहाती है फिर खुद को सुखाते रहती हैं। अब आधा घंटा खुद को सुखाने में लगाएंगे, जो ही सूखेंगे फिर यहाँ से भागते हुए पानी के अंदर। वाह 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 वाह, मजा आ रहा है। टिकट के पैसे, टिकट के फ्री ना आ रहे। हाँ कितना कितना लिया इससे? 160 रुपया। हाँ तो ठीक है ना, अब वापस नहीं मिलेंगे यार। सारी रोटी जो थी बीच में वो देखो, सारी रोटी क्या यार। ओए बंद करो ना पानी को, ये देखो जा रहा है इधर से निकल निकल के, बस बंद कर दो, अब बहुत है अब इसके अंदर। चलो जी मैं भी आ गया हूँ। आपने नहीं की है? वो पीछे देखो कौन आ गया, ये डायनासोर। ओ कानों पे हाथ क्यों रखे हुए हैं? अच्छा इसके कानों में शायद पानी चला जाता है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ऐसे ऐसे इसके कानों में पानी चला जाएगा बस। चलो 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 यार, ये क्यों नहीं आ रहे? इनको भी लेके आते हैं। चलो शाबाश सारे जाओ, तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा ताज़ा पानी भरा है। जाओ जाओ पानी के अंदर, पानी के अंदर, शाबाश छोटू गैंग, पानी के अंदर, पानी के अंदर। जाओ मजनू मजनू पानी के अंदर जाओ। चला गया लेकिन फिर भाग जाएगा। सारी डक्स बाहर निकल के जा चुकी हैं, सिर्फ एक ये वाली है जो कब से रोटी ढूंढ ढूंढ के खा रही है। जितनी भी रोटी थी ना सारी ढूंढ के खा गई है। एक एक दो दो मिनट पानी के अंदर इसका सर रहता है। इब्राहिम तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो? आइए अच्छा अच्छा ठीक है, इसको अभी ये देखें, अभी भी रोटी ढूंढ रही है। रोटी ख़त्म हो गई है शायद, रोटी ख़त्म हो गई है। इधर अब दिखाऊं रोटी, इधर आओ रोटी दिखाऊं, उधर जा रही है रोटी थी इधर। ये सारी रोटी है, ये सारी यहाँ पर बैठे हुए थे ना इसलिए उसे नज़र नहीं आई। अभी से मैं लेके आता हूँ, फिर ये सारी रोटी निकाल के खा लेगी, रोटी ज़ाया नहीं होगी। इधर ये है रोटी, इब्राहिम आगे से हटो जी। ये रोटी है, ये सारी रोटी अभी खाएगी।
किधर है? वो पूल में नहा गया, फिर पाइप जा गया। अभी पैर पाइप के साथ नहाना उसने शुरू कर दिया। हाँ, इसका कोई अच्छा काम नहीं है। तो ये देखें कैसे रोटी उठा उठा के खा रही है, और देखो सर भी नहीं निकाल रही, सांस कैसे लेगी, और पानी के अंदर इतनी देर से खाई जा रही है, खाई जा रही है। ओए ओए बाहर निकालो सर को, सांस ले लो थोड़ा सा, आराम से आराम से। हाँ अब ठीक है, अब खाएगा नहीं वो ले गया, वो ले गया ले गया ले गया, खाएगा नहीं, जाया कर देगा। क्या ऐश क्या करे, वो फेंक देगा, रिस्क जाया नहीं करो ना। जीते हुए क्या तुम्हारे जीते हुए, हाँ ये इधर दे दो, शुक्र है। इसकी इसकी बात नहीं माननी, ठीक है ना, ये उल्टी बातें करता है, सारे उल्टे रास्ते दिखाता है। कम से कम इसे धो के दिया करो, ठीक है ना, खुद भी ऐसे ही खाता रहता है उतार उतार के, और धोते भी नहीं है। इनके साथ पता है वो कीड़े लगे होते हैं, ऐसे तो हमने स्प्रे की थी, लेकिन स्प्रे तो की है ना। हाँ तो स्प्रे वाले अंगूर ये भी खाते हैं और साथ इब्राहिम को भी खिलाता है। ये चरपाई का हाल देखें क्या कर दिया है, ये इतनी ज़्यादा गीली हो चुकी है, इतना ज़्यादा इसके ऊपर अंगूर पड़ा हुआ था, और ये सारा कारनामा इसका है। अभी अली, मैं, माली भाई और कैसर भाई यहाँ पर अंगूर रख कर खाने ही लगे थे कि अचानक से ये छुप के आई है इस तरफ से। माली भाई इधर बैठे हुए थे, उनके पीछे से इस तरफ से आई है, एकदम से इसने छपटा मारा है, पहले माली भाई से छीन के खा गई है, फिर बर्तन के अंदर इसने मुँह मारा है और सारा अंगूर यहाँ पर गिरा दिया है, और फिर अभी भी इसका पेट नहीं भरा, अभी भी ये यहाँ पर पता नहीं क्या खाने की कोशिश कर रही है। ये रह गया, बस यही बचा है, बाकी तो सारा तुमने हमें इतना ख़राब किया ना, खाने भी नहीं दिया ना, इसने खुद ठीक से खाया ना हमें खाने दिया, और सबको भगा दिया इसने यहाँ से। दोनों बाहर हैं, हाँ। आगे जाएं? नहीं नहीं भाग जाएंगे। नहीं भागते नहीं भागते, वो सामने फीमेल और मेल इसके साथ इस तरफ खड़े, कबूतर दोनों चले गए हैं। बेला काफ़ी देर से ना कबूतरों के लिए बैठी हुई थी। किन को? बैल और बकरे के, वो भी बहुत जल्द। अभी हमने ना बैलों बकरों का भी कुछ करना है, लेकिन ईद के करीब करीब करें ना, अभी तो दिन है ना, है ना। कितने दिन है अभी? तो एक हफ्ता पड़ा हुआ है। हफ्ता नहीं है, हफ्ता है, आज चार दिन है। नहीं नहीं, हाँ 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 ठीक है ठीक है, हफ्ता नहीं है, पाँच दिन है मुझे लगता है, पाँच दिन। हाँ तो करते हैं, इसकी भी सुनते हैं। कबूतर चले गए अंदर, शुक्र है चले गए। और वे मेल फीमेल फिर अंदर चले गए, मुझे लगता है इन्होंने फ्लैश लाइट देख लिया। हाँ दोनों वो सामने आंखें जलती हुई नज़र आ रही हैं दोनों की, माशाल्लाह। तो खैर आज का जो ब्लॉग था वो यहीं तक था, आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, अगले ब्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।